जय हिंद। मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अलकनंदा क्लासेस में। कोविड-19 के लगातार बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए सरकार ने एमपीलैड स्कीम को 2 वर्षों तक सस्पेंड करने का निश्चय किया है और इस पैसे को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। तो आइए हम एमपीलैड स्कीम के बारे में डिटेल में जानते हैं। एमपीलैड स्कीम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी शुरुआत कब हुई और भी बहुत कुछ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो सर आइए हम सबसे पहले एमपीलैड स्कीम, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम भी कहा जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो जिस भी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आते हैं तो उनके कंस्टिट्यूएंसी में क्या क्या डेवलपमेंट की नीड है ऑन द बेस ऑफ लोकेलिटी फेल्ट नीड। लोकेलिटी फेल्ट नीड मतलब उस लोकेलिटी में डेवलपमेंट या क्या किस किस चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है और भी वहाँ पे डेवलपमेंटल नीड क्या है, उस चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए या डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एमपीलैड स्कीम को लाया गया था। एमपीलैड क्या है कि टू एनेबल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंट नेचर विथ एम्फेसिस ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड्स इन देयर कंस्टिट्यूएंसी। मतलब कि लोकली फेल्ट नीड जो उनके कंस्टिट्यूएंसी में है, जो डेवलपमेंटल वर्क है उसको प्रमोट किया जा सके। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जा सके और फिलिंग द गैप ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, ये गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में उन वो पीछे रह जाते हैं, वो अवेयर नहीं हो पाते हैं या उनके गवर्नमेंट के जो जो फंड्स होते हैं वो उनको प्रॉपरली अलॉट नहीं हो पाता है और उनका अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है। तो एमपीलैड स्कीम लाया इसलिए गया था कि इसके थ्रू क्या हो सकता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेवलपमेंट कर सके, जो बैकवर्ड सेक्शन है उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जा सके और डेवलपमेंट से उनको जोड़ा जा सके। आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। एमपीलैड स्कीम की जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 1993 में हुई थी, टू प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर एमपी टू रिकमेंड टू वर्क फॉर बेसिक फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन लोकली फेल्ट नीड। मतलब कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना ऑन द बेसिस ऑफ लोकलिटी फेल्ट नीड, मतलब वहाँ की जो जरूरत है उस कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको प्रमोट करना। इसके अंतर्गत क्या है कि एमपी के कंस्टिट्यूएंसी को 5 करोड़ रुपया प्रत्येक साल अलॉट किया जाता है। ये 5 करोड़ अभी अलॉट होता है, अभी में जब 1993 में इससे शुरुआत हुई तो उस टाइम 5 करोड़ रुपया प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में अलॉट नहीं किया जाता था। मैं बता दूं इसके बाद थोड़ा मैं छोटा सा डिटेल दे दूं कि जब 1993 में जब एमपीलैड स्कीम आई थी तो उस टाइम 1993 टू 1994 5 लाख रुपये अलॉट किए जाते थे पर ईयर। 1994 टू 1995 1 करोड़ रुपये अलॉट किए जाते थे। 1998 टू 1999 में ये बढ़ के 2 करोड़ रुपया हो गया और 2011 और 12 में ये बढ़ के 5 करोड़ रुपया हो गया और वही अभी है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एमपी जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उसको एमपीलैड फंड का 15% जो है एससीज पॉपुलेशन के लिए और 7.5% जो है एसटी पॉपुलेशन के लिए अलॉट करना जरूरी है, कंपलसरी है। अब सवाल उठता है कि किसी स्टेट में अगर एसटी का पॉपुलेशन नहीं है तो क्या होगा। तो जिन स्टेट में एसटी का पॉपुलेशन नहीं है तो एसटी पॉपुलेशन का भी फंड पूरा का पूरा यूज हो जाएगा एससी पॉपुलेशन में, और जिन स्टेट में एससी के पॉपुलेशन नहीं तो एससी पॉपुलेशन का पूरा फंड जो होगा वो एसटी के पॉपुलेशन में इंक्लूड हो जाएगा। इसके मेन इसमें किन किन चीज़ों को मेन प्रेफरेंस दिया जाता है, तो सबसे पहला चीज़ इनमें प्रेफरेंस दिया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को, पब्लिक हेल्थ को, एजुकेशन को, सैनिटेशन को और रोड्स वगैरह को। मतलब ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है जहाँ पे प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। इसमें जो होता है, जो फंड जो रिलीज होता है वो कैसे होता है, तो फंड जो होता है डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिलता है। फंड जो होता है ग्रांट इन एड के फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाता है। ग्रांट इन एड मतलब अनुदान के रूप में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को अलॉट होता है।
ये फंड जो होता है नॉन लैप्सेबल होता है। नॉन लैप्सेबल कहने का मतलब कि अगर फंड यूटिलाइज नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं कि फंड खत्म हो जाएगा, वो अगले साल भी उसको यूज किया जा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास ये पावर होता है कि ही कैन एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क। एलिजिबिलिटी ऑफ वर्क मतलब जो काम जो हो रहा है वो मतलब रियली में इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है डेवलपमेंट के लिए, एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, एंड मॉनिटर द स्कीम एट ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल पे वर्क ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने का वर्क होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड कैसे करते हैं वर्क को, तो जो लोकसभा मेंबर होते हैं वो वर्क को अपने कंस्टिट्यूएंसी में रिकमेंड कर सकते हैं जिस कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्ट होके आते हैं। राज्यसभा मेंबर जो होते हैं वो वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं उस स्टेट में कहीं भी किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जिस स्टेट से वो इलेक्ट होके आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा मेंबर जो होते हैं पूरे स्टेट में जिस स्टेट से वो इलेक्ट होके आते हैं उसके किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में वो वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं, पर लोकसभा मेंबर अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ से वो इलेक्ट होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा का, वो कंट्री में पूरे होल कंट्री में पूरे भारतवर्ष में किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में वर्क को रिकमेंड कर सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोल सकते हैं, इसके इनके लिए कोई कंपल्सन नहीं होता है। आइए थोड़ा सा मैं इस एमपीलैड स्कीम का थोड़ा मैं ब्रीफ में बता दूं। इसकी जो शुरुआत हुई थी लॉन्च कब हुआ था, 23 दिसंबर 1993 में हुआ था। इसमें क्या होता है, 5 करोड़ पर एनम जो होता है ग्रांट दिया जाता है प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। किस लिए दिया जाता है, टू टेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द कंस्टिट्यूएंसी, मतलब कंस्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किया जा सके। ये लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर के लिए होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए होता है। 15% जो होता है वो कंपलसरी है कि वो एससीज पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट किया जाए, और 7.5% है वो कंपल्सन है कि एसटीज पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लाते रहें तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।